गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा कक्षा 8 का पाठ 6 भरत पढ़ने जा रहे हैं। अब भरत पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान ले तो अच्छा होगा, है ना, कि भरत कौन था। इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो आखिर ये भरत था कौन। ठीक है, तो कालिदास जी ने, आपने संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, आपने उनका नाम सुना भी होगा, और नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। तो कालिदास जी ने हमारे संस्कृत साहित्य के बहुत सारे साहित्य, मतलब बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, काव्य लिखे हैं। उन फेमस काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बहुत प्रसिद्ध नाटक है, रघुवंश, मेघदूत आदि बहुत सारे महाकाव्य की रचना की है। तो उन काव्यों की रचना को, उनका हिंदी अनुवाद किसने किया? संस्कृत सबको समझ में नहीं आती, तो उस संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन किया राजा लक्ष्मण सिंह ने, जिसने हमारा ये पाठ 6 भरत नाम का चैप्टर लिखा है। उसको हिंदी ट्रांसलेट करके उन्होंने कालिदास जी के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उनका बहुत बड़ा नाटक है, बहुत फेमस नाटक है, उसी का एक छोटा सा अंश रूप में ये पाठ लिया गया है, भरत पाठ 6। ठीक है, तो अब वो भरत कौन था? भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, जो कि राजा दुष्यंत के द्वारा जब शकुंतला को ठुकरा दिया जाता है, मतलब वो उसको भूल जाते हैं किसी ऋषि के श्राप के द्वारा। ऐसा कब होता है? उन्होंने गंधर्व विवाह किया था, और शकुंतला इंद्र का नाम सुना होगा अपने, स्वर्गलोक में राजा इंद्र होते हैं, उनकी अप्सरा थी मेनका, तो उसी में अप्सरा मेनका की पुत्री थी शकुंतला। ठीक है, तो शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहा करती थी, तो उस ऋषि के आश्रम में उन्होंने दुष्यंत को उधर कहीं देखा, और उनमें आपस में प्रेम हुआ, और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करने के बाद दुष्यंत अपने राजकाज को संभालने के लिए चले गए, और वो आश्रम में उनकी, मतलब उनके ही यादों में खोई हुई बैठी थी। तो एक उधर से कोई ऋषि आते हैं, और आपको पता होगा कि पहले अगर ऋषि की बात को ना सुनो तो वो ऋषि क्रोधित हो जाते थे और श्राप दे देते थे। तो जब उन्होंने शकुंतला को 2-3 बार उनसे कुछ मांगा, और शकुंतला ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया। अब श्राप क्या था, वो इसी चैप्टर से रिलेटेड संबंधित है। श्राप था कि जिसकी यादों में तुम खोई हुई हो, वो तुम्हें भूल जाएगा, एक दिन वो तुम्हें भूल जाएगा। और ऐसा ही होता है कि दुष्यंत उसको भूल जाता है। अब वो जब उनको श्राप देते हैं तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है। तो ऋषि बोलते हैं मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसको उसका मतलब उसका कुछ उपाय बता सकता हूँ। तो ऋषि बोलते हैं जब तुम उन्हें अपनी कोई निशानी दिखा दोगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, और ऐसा ही कुछ होता है। तो चलो, अब ये दृश्य है बेटा उसी आश्रम का, कण्व ऋषि के आश्रम का, जहाँ पर बालक तपस्विनी, दो तपस्विनी है, एक बालक है छोटा सा नन्ना, और ऋषि का आश्रम है। आश्रम का माहौल वातावरण कैसा होता है आपको पता है, सुंदर से, मतलब हिरण पशु पक्षी घूमते होते हैं, और सुंदर सा पानी का किनारा होता है, तालाब होता है, सरोवर होता है छोटा सा ऐसा, और ऋषि की कुटिया होती है, ऐसा सारा आश्रम का नज़ारा है। तो एक बालक वहाँ पर सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है, तो दो तपस्वियाँ होती हैं जो कि शकुंतला की सखियाँ होती हैं। तपस्वी मीन तपस्या करने वाली स्त्रियाँ, वो तपस्विनी उसको रोकती हैं और बोलती है कि राजा दुष्यंत, तो उनको जब वो रोकती हैं तो राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में, मतलब पेड़ के पीछे छिपकर उनको देख रहे होते हैं। अब क्या देखते हैं, बालक को बोलती हैं वो, अरे सिंह, भरत बोलता है कि अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। मतलब वो इतना वीर और साहसी था, वो बच्चा इतना निडर था जिसका नाम भरत था, कि वो बचपन से ही शेर के साथ खेला करता था, सिंह के बच्चे के साथ खेलता था। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम शेर के बच्चे के साथ खेलें, लेकिन वो बहुत साहसी और निडर था। क्यों?
क्योंकि वो पुरुवंशी था, इसलिए क्योंकि वो दुष्यंत, राजा दुष्यंत का पुत्र था। अब उनकी ये सारी बातें देखकर दुष्यंत के मन में ऐसा ख्याल आता है। जब तपस्विनी उसे रोकती है, वो कहती है, ए हठीले बालक, तू बच्चों को क्यों सताता है? तू उस बालक को, पशु पक्षियों को क्यों परेशान करता है? तू इसे छोड़ दे, मैं तुझे मिट्टी का मोर ला कर दूँगी। तो वो उसको बोलती है कि पहले तुम मुझे ला कर दो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब दुष्यंत जब पीछे से देख रहा होता है, पेड़ के पीछे से, तो वो ऐसा मन ही मन में सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि इस बच्चे को देखकर मेरा इसने मेरा प्रेम उस पर मतलब उस पर उमड़ा जा रहा है, मुझे इस बच्चे के प्रति बहुत प्यार आ रहा है, ऐसा वो सोचता है। तो वो उसके तपस्विनियाँ उसे बहुत रोकती हैं, लेकिन वो नहीं मानता है, वो शेर के बच्चे के साथ खेलता है। तो पहली तपस्विनी उसको बोलती है कि दूसरी तपस्विनी से कि तू जा और उसे मिट्टी का मोर ला के दे, तभी ये उसको छोड़ेगा, वरना ये नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा सब आतंक और ऐसी सब शैतानियाँ करने के कारण ऋषि ने, सभी ने उसका नाम क्या रखा था बेटा? सर्वदमन, क्योंकि वो सबको ऐसे परेशान करता रहता था, सताता रहता था, इसलिए उसका नाम सर्वदमन रखा। अब जब पहली तपस्विनी मोर को लेने जाती है तो दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों में ऐसी बात होती है कि जब तक इसे सिंह के बच्चे के साथ मैं खेलता रहूँगा, उसकी ऐसी बातों को सुनकर, कौन बोलता है ऐसा? भरत। भरत बोलता है, मैं तो जब तक इसके साथ खेलता रहूँगा, जब तक कि मुझे तुम मिट्टी का मोर लाकर नहीं दोगी। तो वो मिट्टी का मोर लेकर आती है और फिर दुष्यंत ऐसा सब देखकर वो बोलते हैं कि मतलब ये देखने से तो ऋषि कुमार नहीं लगता है। उन्होंने उसको ऋषि कुमार क्यों समझा? क्योंकि वो आश्रम में रहता था, आश्रम का बालक था इसलिए। लेकिन उसकी हरकतें कैसी थी? एक मतलब तपस्विनी के होकर तपस्वी जैसी नहीं थी, उसकी हरकतें थी एक राजा के समान, पुरुवंशी के समान, वो साहसी और निडर था। तो कहता है कि तू अपने, ये बच्चा तो अपने कुल के विरुद्ध आचरण कर रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ऋषि कुमार होगा, ऐसा दुष्यंत मन ही मन में सोच रहा है। और उस बच्चे के प्रति उसके मन में इतना प्रेम और प्यार उमड़ता है, वो उसे सोचता, उसको देखकर सोचता है, काश मैं इसे खिला पाता। मतलब पिता, ऐसे सारे देश के पिताजी, सभी के पिताजी कितने धन्य होते हैं जो अपने बच्चे को धूल के साथ में गोदी में लेते हैं और गोदी में बच्चे उनकी धूल झाड़ते हैं, और वो पिता धन्य है जो अपने पुत्र को प्रेम कर पाते हैं। और मैं कितना, मतलब ऐसा मन ही मन सोचते कि मैं कितना अभागा हूँ। उधर दूसरी स्त्री आती है और बोलती है, ये ले शकुंतलावण्य, वो ऐसा बोलती है। शकुंतलावण्य मीन्स वो सुंदर सा मोर, वो ऐसा बोलती है। लेकिन शकुंत को सुनकर बच्चा सोचता है कि कहाँ है मेरी माँ शकुंतला। उसे ऐसा आभास होता है कि उसने बोला कि उसकी माँ आ गई। तो वो तपस्विनी उसके साथ हठीढ़ी ठोली करती है, हंसती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला कि मिट्टी का मोर दे दो, इसको लाओ। तो फिर वो बोलते हैं कि, तपस्विनी बोलती है कि ना, दुष्यंत जब उसको ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा ऋषि कुमार तो नहीं लगता, तो वो तपस्विनी उन्हें समझाती है कि हाँ, ये ऋषि कुमार नहीं है, ये तो बड़बागी है, मतलब ये किसी तपोवन के वास में रहने से ऋषि पुत्र जाना जाता है, लेकिन ये रियल में ऋषि पुत्र नहीं है। तो दुष्यंत उससे पूछता है, तो ये कौन है? तो वो उसको बोलती है कि ये पुरुवंशी है। तो उसको पुरुवंशी ऐसा सुनकर तो उसे और ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है। और उधर पहली तपस्वी ने ऐसा बोला भी होता है कि शकुंत, तो उस शकुंत नाम को सुन के दुष्यंत को भी ऐसा एहसास होता है कि कहीं ये मेरी ही पत्नी तो नहीं शकुंतला। ऐसा सब कुछ पता करने के लिए वो वहाँ से जाता नहीं है। और फिर क्या होता है, वो बोलते हैं, दुष्यंत कहते हैं कि इसकी सूरत तो उसको, उसकी शक्ल भी उनके जैसी दिखती है, उसकी सूरत की, भरत की शक्ल तो मेरे जैसी मिलती है। तो बोलते हैं कि पुरुवंशियों की दो नीतियाँ निश्चित होती है, कौन सी? एक तो युवा अवस्था में वो महलों में रहते हैं और प्रजा का पालन करते हैं, दूसरा वो वृद्धावस्था में आश्रम में, कुटिया में कुटी बना कर रहते हैं पेड़ के नीचे। ठीक है, ये दो नीति हुई पुरुवंशियों की। उसके बाद फिर वो दूसरी तपस्विनी बोलती है,
हे परदेसी, तेरा ये संदेह मिट जाएगा कब? जबकि तू जान लेगा कि यह इंद्र की अप्सरा मेनका की बेटी का पुत्र है। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि अपनी विवाहिता, मतलब वो उसको बोल सोचते हैं मन ही मन दुष्यंत कि इसकी इस जो कहानी है ना वो तो कुछ मुझसे मिलती जुलती है, तो उनको अपनी शकुंतला की याद आती है। फिर वो बोलती है कि है ना, वो बच्चा वहाँ से खेलता रहता है ना, तो उसके हाथ पे कुछ अपराजित नाम का एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ होता है और वो गिर जाता है। अब उस रक्षा सूत्र की एक खास बात क्या थी बेटा? उसकी खास बात थी कि जब उसका नामकरण हुआ था ना भरत का, तो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने उसको यह धागा दिया था। अब उस धागे की खास बात यह थी कि जो भी उस धागे को अगर उसके माता पिता के अतिरिक्त कोई छुएगा तो वो धागा सांप बनकर उस इंसान को ढस लेगा। लेकिन वो धागा खुल जाता है, दूसरी तपस्विनी उसे ढूंढती है और वो दुष्यंत इतने में आता है, वो कहता है कि खेल रहा था तो धागा गिर गया। वो तपस्विनी उसे रोकती भी है कि कहीं इसको डस ना ले इसलिए, लेकिन इतने में दुष्यंत उसे उठा के और दे देता है और ये फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि वही दुष्यंत है। क्यों? क्योंकि उस सूत्र का, उस धागे की खास बात ही यही थी कि इसको माता पिता के अतिरिक्त और कोई छू नहीं सकता है, और ये डिसाइड हो जाता है कि वो सांप है। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों रोका? ऐसा पूछने पर तपस्विनी जवाब देती है कि जब ये उनको उस बच्चे को बांधा गया था तो ऐसा इसको मतलब मंथर किया गया था कि माता पिता के अतिरिक्त इसे अगर कोई भी लेगा तो वो उसे सांप बनकर खा जाएगा। तो ये निश्चित हो जाता है कि वो दुष्यंत ही उस बच्चे का पिता है, और वो ऐसा प्रसन्न होकर उस बच्चे को गोदी में उठा लेता है, बहुत आनंद मनाता है। इस तरह से इस नाटक का यह दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि वो बच्चा बचपन से ही इतना साहसी और निडर क्यों था? क्योंकि वो पूर्ववंशी था, ऋषि कुमार नहीं था। बचपन में शेर के बच्चे से खेलता है, सारे पशु पक्षियों को हैरान करता है, सताता है। दुष्यंत उसे पेड़ की ओट में से, पेड़ में से पीछे से छुप कर देख रहा होता है और दुष्यंत को मन ही मन उससे मतलब प्रेम उमड़ता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि इसके मुख पर तो ऐसा अग्नि सा दमक रहा है, इसकी हाथ की हथेलियाँ चमक रही है, मतलब ये हर तरह से इसकी सूरत मेरे से मिल रही है, तो ये हर तरह से ही मेरा पुत्र लग रहा है। और बाद में उस अपराजित नामक रक्षा सूत्र से ये निश्चित हो जाता है कि वो उसी का पुत्र है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।